अगर आपको या आपकी फैमिली को भिंडी खाना पसंद है तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। ये भिंडी बहुत ही कम तेल और सामान में बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आज की हमारी ये रेसिपी शुरू करते हैं। भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी लिया है और इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद इसका पानी हमें अच्छे से सुखा लेना है। भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं लगा होना चाहिए, पूरी तरह से वो एकदम सूखा होना चाहिए। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले हम इसका ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे, तो आप चाहें तो दोनों हिस्से हटा सकते हैं। उसके बाद हम इसे बीच से आधा कट कर लेंगे और इसमें हम 1 से 1.5 इंच का पीस कर लेंगे। तो भिंडी को आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आपको काटना हो। तो इसी तरह हम सारी भिंडी को काट लेंगे। तो ये देखिए हमारी भिंडी भी कट के रेडी है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से भिंडी एकदम ड्राई बनती है, उसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं होता है। और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसन और हल्दी को हम भिंडी के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। तो बेसन जो होता है, जो भिंडी के अंदर का जो गीला गीलापन रहता है, एकदम वो सुखा देता है। तो उससे भिंडी हमारी बहुत ही क्रिस्पी और ड्राई बनती है। तो ये देखिए इसमें हमें नमक नहीं डालना है अभी बिल्कुल भी। तो ये हमारी भिंडी रेडी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब गैस पे मैंने एक पैन रखा है। पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम अपनी सारी भिंडी को इसमें फैला के डाल देंगे। तो हमें भिंडी को इस तरह से फैला के डालना है, देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल के साथ। मिक्स करने के बाद हम इसे पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो हमें इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं, नहीं तो भिंडी जल जाएगी। तो ये देखिए मिक्स कर दिया, इसे हम थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे पकने के लिए। तो थोड़ी देर हो गए इसको पकते हुए। अब इसे हम एक बार पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं भिंडी में थोड़ा ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही कलर आने तक हमें भिंडी को अच्छे से भून लेना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे इस तरह से पका लेंगे। तो एक बार हम फिर इसे अच्छे से पैन में फैला देंगे। ये देखिए हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छा सा कलर आ गया है। तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है भिंडी के ऊपर। तब इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो सेम पैन में हम फिर से 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म कर लेंगे। तो तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हम उसमें सौंफ डालेंगे। तो आप बारीक मोटी कोई भी सौंफ ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम करी पत्ता डालेंगे और इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो एक प्याज को मैंने लंबे स्लाइस में काट लिया है और प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। तो देखिए प्याज भी हमारा भून चुका है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। तो अदरक लहसुन को मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है। तो आप चाहे तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए ये भी भून चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। तो आप 1 या 2 टमाटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच के आसपास हम गरम मसाला डालेंगे और नमक हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो सूखे मसाले जब भी आप ऐड करें तो गैस को हम एकदम लो फ्लेम पर करके डालना है मसाला, जिससे जले ना। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक करके 1 से 2 मिनट पका लेंगे, जिससे टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी पक जाएँ। तो देखिए मैंने इसे लगभग 2 मिनट पका लिया है। तो मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है और जो टमाटर हमने डाला था वो भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम अपनी फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अगर भिंडी हल्की हल्की कच्ची है तो बस 2 मिनट पकाएं। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इसे हम एक बार चला देते हैं। तो भिंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और
एक छोटा चम्मच हम इसमें नींबू का जूस डालेंगे, तो नींबू का जूस आप जरूर डालें और अमचूर पाउडर। इससे भिंडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक टैंगीनेस बन जाता है, बहुत ही अच्छा खाने में लगता है। बस इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढककर बिल्कुल नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा हम इसे खोल के ड्राई करेंगे, जिससे हमारी भिंडी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो 1 से 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो देखिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट पका लिया है, अब हमारी भिंडी एकदम रेडी है। तब इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी भिंडी बनके तैयार है। इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही यम्मी दिख रही है। तो आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।